नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन हुई थी कलकत्ता शहर की स्थापना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नोक ने 24 अगस्त 1690 को की थी। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर और पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता को शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रारंभिक केंद्र और देश में साम्यवादी आंदोलन के गढ़ के रूप में पहचान मिली है। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देश की बौद्धिक राजधानी कोलकाता लंदन के बाद ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था। इसे किसी जमाने में पूरब का मोती भी कहा जाता था। आज के दिन वीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद बने थे राष्ट्रपति। 24 अगस्त 1969 को वीवी गिरी ने देश के चौथे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। वीवी गिरी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था और 1937 में वह श्रम व उद्योग मंत्री नियुक्त किए गए थे। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। बाद में वह गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे। देश के आजाद होने के बाद वह लोकसभा सांसद चुने गए। वीवी गिरी उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल रहे। वह उपराष्ट्रपति भी रहे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं 24 अगस्त 1974 को देश के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली अहमद ने शपथ ग्रहण की थी। वह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे। ब्रिटिश सैनिकों ने आज के दिन व्हाइट हाउस को कर दिया था आग के हवाले। 24 अगस्त 1814 को ब्रिटिश सैनिकों ने व्हाइट हाउस में आग लगा दी थी। अमेरिका के आजाद होने के बाद यह पहला मौका था जब किसी विरोधी ने वाशिंगटन DC में प्रवेश कर कई स्थानों को तबाह कर दिया था। जब ब्रिटिश सेनाएं व्हाइट हाउस पहुंची तो राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन और उनकी पत्नी डोली वहां से निकल चुके थे। राष्ट्रपति उसी दिन युद्ध के मैदान पर अपने जनरलों से मिलने के लिए गए थे। इस हमले के बाद राष्ट्रपति मेडिसन ने व्हाइट हाउस में रहना पसंद नहीं किया और बचे हुए शासनकाल के दौरान ऑक्टेगन हाउस में रहे। 1817 में जब जेम्स मोनरो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पुनः निर्मित व्हाइट हाउस में रहना शुरू कर दिया। क्रांतिकारी राजगुरु का आज के दिन हुआ था जन्म। महान क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ था। वाराणसी में अध्ययन के दौरान राजगुरु का संपर्क कई क्रांतिकारियों से हुआ। वह चंद्रशेखर आजाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से तत्काल जुड़ गए। आजाद की पार्टी में इन्हें रघुनाथ के छद्म नाम से जाना जाता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और यतीन्द्रनाथ दास जैसे क्रांतिकारी राजगुरु के अभिन्न मित्र थे। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। 23 मार्च 1931 को राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी के द्वारा 24 अगस्त दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90% है। उत्साह एवं पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। शुभ रंग लाल व सिंदूरी व निषेध रंग नीला व काला है। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41% है। हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहेगा। व्यवसायियों के लाभ में वृद्धि होगी। व्यर्थ की परेशानियों के योग है। शुभ रंग नारंगी व निषेध रंग नीला व सफेद है। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46% है। धन अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व निषेध रंग हरा है। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59% है। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी है। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75% है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों का मनोनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी व निषेध रंग जामनी व सलेटी है। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54% है। सेहत का ध्यान रखें। उत्साह बढ़ा रहेगा। औरों से आगे निकलते नजर आएंगे। शुभ रंग हल्का हरा व निषेध रंग सिंदूरी है। तुला, आपके उत्साह के लिए भाग्य 45% है। जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। वाणी व आचरण पर संयम रखें। अपमान के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व निषेध रंग सफेद है।
वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90% है। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है। जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी लाल व निषेध रंग काला व नीला है। धनु, आपके उत्साह के लिए भाग्य 70% है। परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैंगनी है। मकर, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54% है। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी व नारंगी तथा निषेध रंग मैरून व गुलाबी है। कुंभ, आपके उत्साह के लिए भाग्य 55% है। परिवारजनों से संबंधों में भी मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के योग हैं। शुभ रंग स्टील ग्रे व निषेध रंग नारंगी है। मीन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 78% है। पारिवारिक समस्याओं के चलते मन खिन्न हो सकता है। वाणी पर संयम रखें, अपमानित होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व लाल तथा निषेध रंग नीला व जामुनी है। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय 3:50 से 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए INT मीडिया। Thank you.